हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक फेसबुक यूज़र हैं, फेसबुक पर आप भी पोस्ट वगैरह करते हो और आप चाहते हो कि हमारी पोस्ट पर जो है लाइक वगैरह बढ़ जाएं, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपनी पोस्ट पर जो है लाइक्स बढ़ा सकते हो, वो भी रियल लाइक्स, ऐसे लाइक्स जो कि यहाँ पर जो है कभी भी कम ना हो। तो आपको करना क्या होगा कि आपको जो है अपनी पोस्ट के साथ में जो है अपने फ्रेंड लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, टैग्स करना पड़ेगा। अब मेंशन कैसे करते हैं, टैग्स कैसे करते हैं, उसका जो है यहाँ पर सभी लोगों को सही तरीका नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टैग्स और मेंशन करने का सही तरीका क्या होता है और किस तरह से हम उसको जो है यहाँ पर मेंशन और टैग्स करेंगे। उससे करने से जो क्या होता है कि हमारी जो पोस्ट होती है उन सब लोगों के जो है टाइमलाइन पर चली जाती है जिनको हम टैग करते हैं और मेंशन करते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि उनके जस्ट नाउ पर जब हमारी फ़ोटो चली जाएगी, हमारी पोस्ट चली जाएगी, तो हमारी पोस्ट पर जो है लाइक आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो बंदे हमारी जो है पोस्ट को देखेंगे, जिन जिन लोगों के वो पास जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पोस्ट पर जो है लाइक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और ज़्यादा लाइक्स यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो पोस्ट आप कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लोगों को वो पसंद आनी चाहिए। बाकी जो है आप जो है टैग्स जब करेंगे और मेंशन जो करेंगे उसके बाद में जो है आपकी जो पोस्ट होगी उस पर लाइक आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर आप एक फेसबुक यूज़र हो और आप चाहते हो अपनी पोस्ट पर लाइक बढ़ाना, वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक का देखना है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आप यहां पर देख सकते हो हमने अपनी फेसबुक को ओपन कर लिया है। फेसबुक को आपको भी कुछ इसी तरह से ओपन कर लेना है, पर आपको जो है पहले ये चेक कर लेना है कि आपकी फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट तो नहीं मांग रही है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसको देख सकते हो, अगर अपडेट मांग रही है तो उसको अपडेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। मैंने 3 दिन पहले जो है एक वीडियो को बनाया था अपने चैनल पर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फेसबुक की 3 ऐसी सेटिंग होती है जिनको हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी फेसबुक अकाउंट के अंदर। उससे फ़ायदा ये होता है जब भी हम अपनी पोस्ट को करते हैं, हमारी जो पोस्ट होती है फेसबुक उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी पोस्ट पर ज़्यादा लाइक आते हैं और ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें फॉलोवर्स मिलते हैं, हमारे फॉलोवर्स इंक्रीज होते हैं। पर ये होता तभी है जब हम अपनी फेसबुक की प्रॉपर तरीके से सेटिंग कर लेते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि हमें अपनी फेसबुक की सेटिंग को कैसे करना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ ऑफ रखनी है, कौन सी चीज़ ऑन करनी है। तो अगर आपको भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, आपने उन 3 सेटिंग को नहीं किया है, तो इस पर मैंने एक जो है पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना करके रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो। आप अपने फेसबुक की सेटिंग को उसी तरह से कर सकते हो, उससे जो है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो गाइज़ आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है फ़ोटो को यहाँ पर किस तरह से जो है अपलोड करना है और उसके बाद में जो है आपकी फ़ोटो पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइक्स आएंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी फेसबुक को ओपन किया है, उसके बाद में जो है ऊपर यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, जहाँ पर जो है ब्राइट समथाइंग हेयर लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पर इस वाले पेज पर आ जाएंगे, जिसमें आपको जाना है फ़ोटो वीडियो के अंदर। यहाँ से आपको किसी भी एक फ़ोटो को ले लेना है। मैंने यहाँ पर इसको ब्लर करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी गैलरी के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर शो ना हो, इसलिए यहाँ से मैं जो है एक फ़ोटो को ले लेता हूँ और ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फ़ोटो के बारे में कुछ भी जैसे लिखना चाहते हैं, आपकी कोई भी फ़ोटो होगी उस पर शायरी वगैरह आप कुछ भी लिखना चाहते हो आप तो लिख सकते हो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है पोस्ट को जो है पब्लिक पर ही यहाँ पर आपको पोस्ट करना है। पब्लिक पर क्लिक करके ऊपर फ्रेंड पे नहीं करना है, फ्रेंड नीचे जो है एक तीसरा जो ऑप्शन है इस पर भी नहीं करना है, आपको जो है इसको पब्लिक पर ही रखना है। पब्लिक पर क्लिक करके आपको इस पोस्ट को यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हो इस पोस्ट के बारे में, इस फोटो के बारे में आप वो लिख सकते हो, उसके बाद में इसको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, नीचे आपको देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको जो है यहाँ पर एक टैग फ्रेंड का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा। टैग फ्रेंड, कुछ लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जब हम किसी भी पोस्ट को यहाँ पर पोस्ट करते हैं, किसी भी फ़ोटो को पोस्ट करते हैं, तो वो पोस्ट करते वक्त ही यहाँ पर अपने फ्रेंड लोगों को टैग कर देते हैं, जो कि आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हो। इससे जो है यहाँ पर
प्रॉपर तरीके से जो है आपका जो फ्रेंड होता है वो टैग नहीं हो पाता है और आपकी जो पोस्ट होती है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाती है। आपको जो है सही तरीका क्या है, कैसे टैग करना है, वो मैं वीडियो में आगे चल करके आपको बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, पोस्ट करते वक्त आपको जो है किसी भी फ्रेंड को यहाँ से टैग नहीं करना है। बस जो मैंने आपको बताया आपको सिर्फ वो करना है, फोटो लगाना है और यहाँ पर ऊपर में जो आप लिखना चाहते हो लिखना है और इस पोस्ट को यहाँ पर जो है पोस्ट कर देना है, इस फोटो को पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद में जो है आपकी जो फोटो होगी वो जस्ट नाउ पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको करना क्या है, इस फोटो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस फोटो पर क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर जो है ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें जो है फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक करना है जो कि एक टैग का ऑप्शन होता है, जहाँ से हम अपने फ्रेंड लोगों को टैग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपने फ्रेंड लोगों को टैग करना है। तो यहाँ पर जो है हम टैग वाले पर क्लिक कर लेते हैं। टैग वाले पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी फ्रेंड लोग होंगे वो यहाँ पर जो है शो करने लगेंगे और जिस भी फ्रेंड को आपको यहाँ पर जो है टैग करना है, अगर वो इस लिस्ट में नहीं आता है तो उसका नाम सर्च करके भी आप यहाँ पर उसको टैग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर टैग कर लेता हूँ मुस्लिम इरफान, तो यहाँ पर ये टैग हो गया है। आप जो है इसको देख सकते हो यहाँ पर ये टैग हो गया है। अब दूसरे फ्रेंड को आप करना चाहते हो तो फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे फोटो पर और दूसरे फ्रेंड को यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे। जिस जगह पर भी आप इसको टैग करना चाहते हो वहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे उस जगह पर, और यहाँ से अपने हिसाब से जो है अपने फ्रेंड को यहाँ पर इस तरह से जो है टैग करते जाएंगे। एक बार में आप 40 फ्रेंड को यहाँ पर टैग कर सकते हो किसी भी एक फोटो पर। तो यहाँ पर आपको जो है टैग इस तरह से करना है। सही तरीका यही होता है अपनी फोटो पर, अपनी पोस्ट पर किसी भी फ्रेंड को टैग करने का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको टैग कैसे करना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो है मेंशन कैसे करना है। तो आपको जो है अपनी प्रोफाइल के अंदर चले जाना है, जो कि आप यहाँ पर अपने फोटो पर क्लिक कर सकते हो, नाम पर भी क्लिक कर सकते हो। आपको जो है चले जाना है अपनी प्रोफाइल के अंदर। मैं यहाँ से इसको जो है डिस्कार्ड पोस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। तो प्रोफाइल के अंदर जैसे आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको जो है जो आपने जो है 2 मिनट पहले देखी मैंने ये पोस्ट अभी की है, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगी। आपको करना क्या है, इस फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो है आपको जो है ऊपर कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में जो है आपको यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट कैप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ से जो है आप अपने फ्रेंड को मेंशन कर सकते हो। मेंशन कैसे करना है, आप जो है अपने फ्रेंड को यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, अगर कोई फ्रेंड यहाँ पर नहीं आता है तो @ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे @ लगाएंगे तो आपके सामने आपके फ्रेंड आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे राहुल भाई हैं, ये आ चुके हैं। अब यहाँ से हम स्पेस देते हैं किसी और फ्रेंड को करना है, तो फिर से हम यहाँ पर @ लगाएंगे और उसको यहाँ पर जो है नाम सर्च भी कर सकते हो। आप यहाँ पर नाम सर्च करके भी आपका वो फ्रेंड आ जाएगा जिसको आप यहाँ पर जो है मेंशन करना चाहते हो। जैसे कि ये मुदस्सिर भाई हैं हमारे, इनको हम यहाँ से जो है मेंशन कर लेते हैं और फिर से एक स्पेस देना है और @ लगाना है। और यहाँ पर जो है एक और आ चुके हैं, इनको भी यहाँ से हम जो है ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो मेंशन करने के बाद में आपको करना क्या होगा, सेव चेंज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सेव चेंज पर जरूर क्लिक करना है, तभी यहाँ पर ये मेंशन होंगे। तो सेव चेंज पर जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और तो यहाँ पर जो है ये मेंशन हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल बैक हो जाना है। तो मेंशन भी हो गया और टैग भी हो गया। सही तरीका क्या था वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। तो गाइज अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो ये पोस्ट होगी, जो भी आपने फोटो पोस्ट किया है, ये उनके टाइमलाइन पर जाएगी जिन लोगों को आपने जो है मेंशन और टैग किया है। अब यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होगी अगर वो अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, लोगों को लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है उस पर लाइक्स भी आएंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपको जो है यहाँ पर ऐसी पोस्ट करनी है जो कि ट्रेंडिंग हो, या फिर जो है अगर शायरी वगैरह करते हो तो अच्छी शायरी करनी है, फिर फोटो को पोस्ट कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा फोटो यहाँ पर पोस्ट करना है जिससे लोगों को वो पसंद आए। तो ऐसा करने के बाद में जो है आपकी पोस्ट पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे, आपके यहाँ पर जो है फॉलोवर्स भी इंक्रीज होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।